हेलो गाइस, सो आज हम करेंगे जो अपनी बौद्ध संगति है वो किस किस स्थान पर हुई थी और वो उस समय शासक कौन कौन थे और उस समय उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, देखिए अपने यहाँ पर चार बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब देखो बौद्ध संगति की एसीपी क्या है। इसकी एसीपी है RVPK, इसको कैसे पढ़ेंगे, रवि पी के AKAK काश में भी। ठीक है, अब इसको समझो। देखो कोई रवि नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, दो गिलास पानी पीता है। ठीक है, रवि पी के, रवि दो गिलास पानी पीता है। पानी कैसे पीता है, वो एक एक करके गिलास पीता है। वो दो गिलास पानी पीता है ना, तो वो एक एक गिलास करके पानी पीता है। रवि पीता है पानी, एक एक गिलास करके पानी पीता है। ठीक है, ये देखकर मैंने सोचा काश मैं भी पी पाता, काश मैं भी। ठीक है, रवि पीता है दो गिलास पानी एक एक कर कर। ठीक है ना, रवि पीता है दो गिलास पानी एक एक कर कर, काश मैं भी पी पाता। ठीक है ना, तो ये देखो आपको कितना ही हिंट ही तो याद रखनी है, बस हमें यही याद करना है रवि पी के। ठीक है, तो ये अपना आप याद आ जाएगा, एक काश मैं भी। ठीक है, हिंट याद रखें, जैसे ही पेपर में कोई भी ऑप्शन आता है तो एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये है, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं। जो देखो ये फर्स्ट वाला है ना, ये तो क्या है, स्थान के नाम है, ये स्थान के नाम है। ठीक है, और जो सेकंड वाले ये पिंक कलर में, ये है उस समय शासक कौन थे, ये शासक है। ठीक है, और थर्ड ये है, थर्ड ये है मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्थान का नाम चलते हैं पहले, ये स्थान के नाम है रवि पी के, रवि पीता है, तो R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। ठीक है, रवि पी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ये मतलब फर्स्ट द्वितीय सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार बौद्ध संगति है। ठीक है, स्थान कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं उस समय शासक कौन थे, तो शासक किए AKAK। ठीक है, अजात शत्रु, कैसे काल अशोक, फिर दोबारा ए से अशोक, फिर कैसे कनिष्क। अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि AKAK सेम है, पर एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाले जो AK है ना, उसमें बड़े लॉन्ग वर्ड आएगा, जैसे अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, काल अशोक, और जो बाद वाला जो AK है ना, उसमें छोटा शब्द आएगा, जैसे अशोक और कनिष्क। ठीक है, अजात शत्रु और यहाँ पर अशोक है, काल अशोक और यहाँ पर कनिष्क। ठीक है, तो ध्यान रखना पहला क्या है, बड़ा आएगा, फिर उसके बाद छोटा आएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, थर्ड अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो काश में भी। ठीक है, कैसे कश्यप, जिसे अपन बोलते हैं महाकश्यप भी बोलते हैं। ठीक है, एस से सावकामी। ठीक है, एम से मोगलीपुत सित। ठीक है, मोगलीपुत तिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर ते और आएगा। ठीक है, लिख कर बता देता हूँ मैं इस तरह, मोगली। ठीक है, उसके बाद पुत, और उसके बाद तिस। ठीक है, मोगली पुत तिस। ठीक है, ये है। तो एम से मोगली पुत तिस और वी से वसुमित्र। ठीक है, तो कंप्लीट हो गए चारों बौद्ध संगति। ठीक है, ऐसे भी क्या याद रखनी है, रवि पीता है, पीता क्या है, दो गिलास पानी पीता है, और पानी कैसे पीता है, एक एक गिलास करके पानी पीता है। ठीक है ना, तो ये देखकर मैंने सोचा काश मैं भी पी पाता। ठीक है, RV रवि पी के AKAK काश मैं भी। ठीक है, तो ये स्थान, शासक और अध्यक्ष, ये चारों चीज़, ये चारों बौद्ध संगति की ये तीनों चीज़ तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की SCP के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।